हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेगो मशरूम फार्म एंड किचन चैनल में। दोस्तों बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि सर इसका कैसे यूज करें, क्योंकि हम काफी बार बता चुके हैं कि इसको कैसे यूज करना है, लेकिन आज हम क्या होगा कि आज आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि इसे हमें कैसे यूज करना है और किस कंडीशन में यूज करना है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, क्योंकि हम प्रैक्टिकल इसमें बताएंगे कि हम कैसे ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं और इससे क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने 10 लीटर पानी ले लिया है, ये बिल्कुल साफ पानी है। 10 लीटर हमने इसमें पानी लिया है और अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर ऐड करेंगे। इस तरह आप 1 से 1.5 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डाल लें। किसी लकड़ी या बांस से भी आप इसे डायरेक्ट घोल सकते हैं। अच्छे से आप इसे घोल में मिक्स कर लें। तो ये देखिए, ये अच्छे से घुल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पैकेट में मशरूम नहीं निकल रही है, क्या होता है कि हम शुरू में पैकेट लगाते हैं और हमारे पैकेट सफेद हो जाते हैं, कुछ ज्यादा सफेद हो जाते हैं, लेकिन उससे पिन हेड नहीं आते हैं, और या पिन हेड आते भी हैं तो मशरूम अजीब सी निकलती है, शेप में नहीं निकलती सही, तो उसमें कुछ इन्फेक्शन रहते हैं, तो वो क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर से हमारे चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें ब्लीचिंग पाउडर यूज करना है। तो पैकेट का आप देखिए, इस तरह से मुंह खोल लें ऊपर से और एक एक गिलास इसमें ब्लीचिंग पाउडर का घोल आप मिला दें। इस तरह से आपको डाल दिया जाता है। ये देखिए, जैसे छोटे छोटे पेन हेड आ रहे हैं तो ये खराब नहीं होंगे और इससे बढ़िया सी मशरूम निकल आएगी। ये देखिए, इस तरह से आपको पैकेट में डालना है। तो इससे जो भी थोड़े बहुत इन्फेक्शन हमारे पैकेटों में रहता है वो खत्म हो जाता है और हमारी मशरूम निकलने लगती है। तो देखिए, अभी इसमें बहुत सारे पेन हेड आ रहे हैं छोटे छोटे, तो ये सारे हमारे पेन हेड बढ़िया मशरूम में निकल आएगी इनसे। तो इस तरह आप एक एक गिलास पानी सारे पैकेटों में डाल दें। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे ऐसे घंटे आप कुछ पैकेट जैसे कि खराब हो गए हैं, थोड़े से काले हो गए हैं, आंटी ने सही से देखभाल नहीं करी होगी, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो उस वजह से ये काले हो गए हैं, तो थोड़े थोड़े करके ये सफेद हो जाएंगे क्योंकि ये काफी रन हो चुका है, इसमें तो ये कवर कर लेगा, देखते हैं हम। तो इसमें भी आप ब्लीचिंग पाउडर का घोल डाल सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से हमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज करना है। तो इस तरह से आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं, एक एक गिलास सभी में डाल सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको 2-3 दिन के अंदर आराम से दिख जाएगा। अभी हमने मशरूम हार्वेस्ट करी है इसी से, तो ये देखिए मशरूम निकलने लगी है। ब्लीचिंग पाउडर का घोल ही डाला था हमने क्योंकि इससे मशरूम नहीं निकल रही थी, तो देख सकते हैं कि आप मशरूम निकलने लगी है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए कितनी बढ़िया इससे मशरूम आ रही है, बहुत ही बढ़िया शेप में है। ये शाम तक या कल मॉर्निंग तक तोड़ने लायक हो जाएगी है। तो ये पूरा बंच है, देख सकते हैं आप। तो इसी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन की घंटी को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।